जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यही पंक्तियाँ मेरे मन में गूंजती हैं जब मैं अपने उस सपने के बारे में सोचती हूँ। मेरा सपना, मेरी उड़ान और मेरी जीत। मेरा भी एक सपना है, मैं वर्दी पहन के अपने परिवार के चेहरे पर वो गर्व की मुस्कान देखना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा यह सपना कैसे साकार होगा, पर मेरे इरादे पक्के हैं और मैं इसे साकार कर सकती हूँ। बचपन से मुझे बस उठना बैठना, मुस्कुराना, घरेलू काम करना ही तो सिखाया गया है। किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारे सपने क्या है और उसे सच करने का प्रयास करो और सच करके दिखाओ। सपने देखना और आसमान की ऊंचाइयों को छूना तो मैंने नहीं सीखा, पर उन गर्मियों की छुट्टियों में मेरा एक कदम NTPC दादरी के गर्ल एम्पावरमेंट मिशन की तरफ बढ़ा था। यही वो मंच था जिसने मुझे और मेरे सपनों को पंख दिया, एक बुलंद आवाज दी। मुझे आज भी याद आते हैं वे दिन जब मैंने उस महिला पुलिस ऑफिसर को सुना जो कह रही थी, बच्चों को भी और उनके माता पिता को भी ये कहना चाहूंगी कि इस कैंप से या इसके बाद भी जो भी आपके बच्चे अपने जीवन में जिस भी विषय में रुचि दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उसी रुचि में अपनी आगे की पढ़ाई या अपने आगे का कौशल को डेवलप करें, तो आप प्लीज उन्हें एनकरेज करिएगा। यही वे शब्द थे जिसने मुझे मेरे सपनों को साकार करने का हौसला दिया। NTPC दादरी के जेम प्रोग्राम में मैंने बहुत कुछ सीखा एवं अपने सामर्थ्य को जाना। हम CSR गतिविधियां करते हैं NTPC दादरी। इसका मुख्य उद्देश्य है आसपास में जितना गांव है उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। 2019 में उसको हम लोग किया है, 2022 में इस गर्ल एम्पावरमेंट मिशन हम लोग करने के लिए उद्घाटन किया है। इसमें जितना भी बच्चियाँ हैं वो सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए तो यूं लगा जैसे हमें एक नई ऊर्जा मिल गई। ये देखना महत्वपूर्ण है और आपको यह सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते। हमें यहाँ पे एरोबिक सिखाई, डांस सिखाया, हमें यहाँ पे खिलाते भी हैं, कुंग फू भी सिखाया और हमें रोज ये पढ़ाने के लिए जाते हैं। हमें पढ़ने में भी बहुत नया सीखा। हम कुछ ऐसा दें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, और खासकर आपका तो प्रोग्राम इतना अच्छा है कि बेटियों के लिए प्रोग्राम है तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। हम चाहते हैं हर साल इस तरह का कार्यक्रम क्षेत्र के बच्चों को भी कुछ सीखने का अवसर मिले। आपकी बात चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को लेकर आप भी सपने देखिए। पिता आप लोगों, पापा आप लोग भी अपनी बेटियों को लेकर बहुत बड़े सपने देखिए और उसको वो हौसला दीजिए कि वो उड़ान भर सके। कोई भी इस दुनिया में आपकी बेटी से ये ना कह पाए कि तुम ये नहीं कर सकती। मैं अपनी शक्ति और हुनर को पहचान गई हूँ। मेरे भीतर भी वह ताकत है, वह
जज्बा है जिससे कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ और मैं कामयाब बनने के लिए सही दिशा में प्रयास कर सकती हूँ। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।